2024 आईपीएल में जब रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस का कैप्टन बनाया गया, तब से इस चीज को लेकर काफी ज्यादा विवाद हुआ। और अब जब 2025 आईपीएल के लिए मेगा ऑक्शन होना है तो यहां पर बहुत बड़ी बोलियां भी लग सकती हैं, और किस खिलाड़ी को कौन सी टीम रिटेन करेगी इसको लेकर काफी ज्यादा सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन इसी बीच सनराइजर्स हैदराबाद के पूर्व कोच टॉम मूडी ने हार्दिक पांड्या पर बड़ा सवाल करते हुए पूछा कि क्या हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के लिए 18 करोड़ रुपए में रिटेन करने लायक खिलाड़ी हैं? आईपीएल 2025 के लिए होने वाली बड़ी ऑक्शन से पहले आईपीएल ने नया नियम बनाया था जिसमें कोई भी टीम रिटेंशन या आरटीएम के जरिए कुछ 6 खिलाड़ियों को बरकरार रख सकती है। इनमें टॉप 2 खिलाड़ी 18 करोड़ रुपए में रिटेन होंगे जबकि अन्य 2 क्रमशः 14 करोड़ रुपए और 11 करोड़ रुपए में बरकरार रखे जाएंगे। मुंबई इंडियंस के पास हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ी हैं जो इन स्लैब में रिटेन किए जा सकते हैं। ESPN क्रिकेट इन्फो की एक रिपोर्ट में बात करते हुए मूडी ने कहा कि वो बुमराह और सूर्य कुमार यादव को 18 करोड़ रुपए देकर रिटेन करना चाहेंगे जबकि हार्दिक पांड्या के लिए 14 करोड़ रुपए खर्च करने के पक्ष में है। मूडी का मानना है कि 18 करोड़ रुपए देकर रिटेन किया जाने वाले खिलाड़ी ऐसा होना चाहिए जो मैच विनर हो और नियमित रूप से खेले। मूडी ने कहा, जिस तरह से आईपीएल के पिछले सीजन में चीजें सामने आई, मुझे लगता है कि रोहित शर्मा पिछले 6-12 महीनों में जो कुछ हुआ है उससे थोड़ा निराश होंगे। मैं बुमराह और सूर्य कुमार यादव को 18 करोड़ और हार्दिक पांड्या को 14 करोड़ रुपए में रिटेन करना पसंद करूंगा। आप अगर प्रदर्शन, फॉर्म और फिटनेस को देखें तो क्या हार्दिक पांड्या 18 करोड़ रुपए के खिलाड़ी बनने लायक हैं? ये सवाल उन्होंने उठाया। क्या वो हकदार हैं? अगर आप 18 करोड़ रुपए के खिलाड़ी हो तो आपको मैच विनर होना होगा और ऐसा लगातार करना होगा। हार्दिक पांड्या पिछले सीजन में फिटनेस और प्रदर्शन दोनों से संघर्ष कर रहे थे। मूडी ने साथ ही कहा कि नीलामी के दौरान पिछले कुछ सालों में मुंबई इंडियंस को कुछ दिक्कतें होती हैं। उनका संकेत ईशान किशन और जोफ्र आर्चर जैसे खिलाड़ियों पर है जो टीम के लिए उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। मूडी ने कहा, पिछले कुछ सालों में मुंबई इंडियंस को नीलामी के दौरान दिक्कतें हुई हैं। वो कुछ मामले में बहुत अधिक वफादार हो गए हैं और खिलाड़ियों को अपनी टीम में बनाए रखने या वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी उन्हें एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। ईशान किशन और आर्चर इसके उपयुक्त उदाहरण हैं जिन्हें टीम में बरकरार रखने के लिए उन्होंने बड़ी कीमत चुकाई। उन्होंने कहा, क्या इन खिलाड़ियों ने ऐसा प्रदर्शन किया? ईशान एक अच्छा खिलाड़ी है लेकिन हमेशा रन नहीं बनाता है। अपनी बल्लेबाजी से उन्होंने कितने मुकाबले जिताए हैं? ये सवाल फिर उन्होंने उठाए। ये ऐसे सवाल हैं जिसे आपको पूछना चाहिए। अगर आप उन्हें रिटेन करने के लिए 14 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं तो आपको इसके बदले क्या मिल रहा है, ये देखने वाली बात है। मुंबई को कुछ निर्णय लेने होंगे। तो कहना था यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद के पूर्व कोच का। आपका इस पर क्या कहना है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।